हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करी हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं मंजू पाल। और दोस्तों टाइम बताओ तो शाम के बज रहे हैं 5:30। 5:30 बजे का टाइम है तो मैं इधर खड़ी हूँ किचन में। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी ना, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे यहाँ पे काम चलता रहता है ना तो आवाज़ आती है, तो उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों इधर मेरी गैस भी जला चुकी हूँ मैं। आज जल्दी कुछ खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब रात का खाना जो है जल्दी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मुझे कुछ बनाना है यमी बनाना है। तो दोस्तों पहले तो मैं बना रही हूँ, आलू तो मैंने रख दी, वो धुलधुला के गैस पर चढ़ा रही हूँ चूल्हे पर। अब मुझे बनानी है गर्मा गर्म चाय कड़ाकेदार, उसके बाद मैं पीऊँगी और मेरे बच्चों को दूध वगैरह दूँगी। और आप लोगों को पीना है तो आप भी आ जाइए और पीते हैं चाय मेरी फैमिली के साथ, पियो आके। और दोस्तों मैं चढ़ाने जा रही हूँ बस चाय इसी पतीले में बना लूँगी बस। दोस्तों 2 कप चाय तैयार, क्योंकि बड़े वाला बेटा मेरा नहीं मानता है, वो भी पीने के पीते हैं और मानते नहीं हैं, तो उनके लिए भी बनानी होगी 1 कप उनके लिए, 1 कप मेरे लिए। तो मैं फटाफट चढ़ा दे रही हूँ दोस्तों चाय। 3 बजे रात को मेरे यहाँ किसी को नींद नहीं आई ठीक से, 3 बजे रात को सारे उठ उठ के बैठ गए। आप सोच रहे हो 3 बजे रात को क्या हुआ, ऐसे सारे उठ उठ के बैठ गए, क्या मैं बताऊँ आप लोगों को? मेरा छोटा बेबी, उसकी तबीयत खराब हो गई। इतनी तबीयत खराब हो गई ना, उल्टी और उल्टी टट्टी सब ये करते जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। तबीयत बोलते ना, बच्चे की तबीयत खराब हो जाती ना अच्छा नहीं लगता, किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। तो दोस्तों इतनी तबीयत खराब हो गई, कुछ कहने के लिए नहीं। मैं फिर रात ही को, मतलब 3 बजे रात को, मेरे को देर टेंशन, मेरे को तो वैसे वो थोड़ी थोड़ी बात में टेंशन होती है, इतनी टेंशन हो गई। फिर उसके बाद में बाबू मेरे उल्टी चपटी करते ही जा रहे थे। मैं वैसे रखनी चाहिए बच्चे की लेटरिन की दवाई, बुखार की दवाई हमेशा घर पर रखनी चाहिए, हर दम जरूर रखनी चाहिए, कब ज़रूरत पड़ जाए ना, कब ज़रूरत पड़ जाए। मेरे पास दवाई भी, क्योंकि 3 बजे थे ना, और 3 बजे समझ लो एक खाली पेट होता है। अब कुछ खिला रही हूँ ना, जैसे मतलब खिला रही हूँ, कुछ भी खा भी नहीं रहे हैं। दवाई तो वैसे मेरे पास थी, दवाई मैं रखती नहीं, और जब कुछ खाया नहीं तो मैं सोच रही चलो आज खा भी नहीं रहे और खाली पेट दवाई भी पिलाना ठीक नहीं है, फिर मैं नहीं पिलाई दवाई। ठीक है, उल्टी और ओटी आने में बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। तो क्योंकि मेरे को ज़्यादा मतलब दोस्तों इतना जल्दी जैसे कोई तबीयत खराब होना, चलो भगवान दुआ से आप सबकी कृपा से, इतना कुछ पता नहीं है। पर हाँ ये मेरे साथ हो जाता है जो मेरे बेबी के साथ हुआ, ये अभी मैंने दो तीन बार यहीं पे हो गया। तो दोस्तों मैं मतलब आप बताऊँ तो मेरे बाबू ठीक हैं और पूरे दिन हो गया है, और दूध वगैरह जो भी खाते पीते हैं वैसे दूध वगैरह नहीं पिलाई, क्योंकि उल्टी सिकटी कर रहे थे, उल्टी वगैरह कर रहे थे, तो दूध नहीं पिलाना चाहिए। लेटरिन आती है तब भी दूध नहीं पिलाना चाहिए, जो बच्चा खाता है बच्चे की पसंद का वही खाना चाहिए, पिलाना चाहिए। तो मैं नमकीन चीज़ ज़्यादातर पिलाने की कोशिश की थी, तो नमकीन ही खाई और दूध दूध तो मैं सुबह मतलब 3 बजे तक दिन की खराब हुई हुई तो रात ही नहीं होगी, क्योंकि मुझे मतलब उतना हम लोग तो सो रहे थे, खराब हुई होगी और हो सकता है इधर उधर उल्टे पुलटे भी होंगे, पर हम लोग तो सारे सोने मिले थे रात 3 बजे, तो आँख सारी कुछ पड़ने लगती है। तो वो भी मतलब किन कर रहे थे, तो मैं सोची पता नहीं मेरी बेबी को क्या हुआ है, मतलब मेरे कान में जब पटाख सुख के बैठ गई, मैंने 2-3 बार की। और उसके बाद में उसको फिर दूध जो है तो मतलब खाने पीने की जैसे नमकीन वगैरह दी, और उसके बाद में दवाई वगैरह जैसे मैंने नहीं दवाई फ्री में पिलाई, नहीं दवाई नहीं पिलाई। उसके बाद में मतलब थोड़ा लेट में दी, सुबह नहीं दी नमकीन, मतलब इनको जो पसंद था वही इनको मैं दे दी थोड़ा सा, क्योंकि दूध वूध नहीं देना चाहिए वैसे, देनी तो नमकीन भी नहीं चाहिए। फिर बच्चे जो मतलब फिर क्या दी उसको, तो कुछ तो दी। फिर दूध जो दी हूँ दोस्तों मैं बताऊँ तो 9-9 बजे दूध दी हूँ, थोड़ा सा दूध दिया फिलहाल के लिए, अभी मेरा बेबी ठीक है। तो मैं टेंशन हो जाती है बच्चे के, मतलब बच्चे ना दोस्तों ऐसा होता है पेट में गड़बड़ी कब होती है पता है, या तो रात को तुम दबे हुए हो दबाव में जैसे पेट गड़बड़ा जाता है, जैसे शायद एक पेट पर लेटे हुए हैं और रात में पता नहीं क्या मतलब एक दूसरे के पेट पर कोई नाक रखा, कोई कुछ ऐसे होता है ना होता, और तो तब दोस्तों ख़राब हो जाता है। और वैसे जैसे कोई उल्टी फुल्टी चीज़ खा ली तब ख़राब हो जाता है। तो वैसे तो कोई चीज़ नहीं खाया था, एक बिस्किट लाया था जो दुकान पर से बिस्किट का पैकेट मंगाई थी, ले आए थे यही 5 रुपया वाला था, वही खाया। और खाने के बाद में ना इन्होंने 2-3 बिस्किट खाया उसमें से, और उसके बाद मेरे को पकड़ा दिया। तो मैं बैठी थी 5 मिनट, मैं सोची बच्चा मेरा कभी नहीं मेरे को देता है, ठीक है बच्चे होते हैं ना ऐसे अपना खा लेंगे दूसरे को नहीं देंगे, माँ और किसी को नहीं दे रहे। आज क्या हुआ है, मेरा बेबी मतलब खाया और मेरे को पकड़ा दिया बिस्किट,
ऐसा क्या? मैंने दोस्तों खा के देखी बिस्किट लिया और खाई, विश्वास नहीं करोगे बिस्किट इतना ऐसी बदबू आ रही थी, जैसे लग रहा था ना कि घर के वो जो गेहूँ जो होते हैं ना, कनक जिसको कनक बोलते हैं गेहूँ, वो भुन जाता है ना, गेहूँ भुन जाता है, भुने हुए गेहूँ होते हैं, वैसी बदबू आती है ना उसमें से, वैसी बदबू आ रही थी बिल्कुल, और खाने में एकदम कड़वा। मैं सोचती मेरा बेबी इसीलिए नहीं खा रहा था, तो बोल सकता दोस्तों बस बिस्किट की वजह से ऐसा हुआ, और मेरे को तो ऐसा लगा बिस्किट ही खराबी करेगी हमको। और इतना मैं बोलती ना दोस्तों, बोलते ना चीज़ लो बच्चे के लिए खाने के लिए, सब कुछ घर के लोकल दुकानें जो होती हैं ना उसमें सामान तो ले लो, पर नकली ये लोग ज़्यादा रखते हैं सामान, जो नकली रखते हैं ना, जैसे बिस्किट वगैरह हो गया, उन लोगों ने क्या किया, मर्जी जो बनाया, मतलब रेडीमेडी वाला, मतलब दूसरे लोग जैसे वो भी खरीदते हैं जो अच्छी क्वालिटी के नहीं लाते हैं, जो है खरीद लिया ऐसे ही, जैसे मतलब जो देने आते हैं वो पता नहीं कैसे, वो उसी पास खरीदा बस बेचने लगे, और ये भी नहीं देखते उनके पास चीज़ कितने दिन की पड़ी हुई होती है। तो मेरा मानना तो यही है, आप लोगों को मतलब आप लोगों की राय क्या है, किसी किसी को बुरा भी लग सकता है तो उसके लिए सॉरी, बुरा लगे तो मेरे को कुछ नहीं बनती, मैं अच्छी बात बता रही हूँ। बच्चे को कभी भी कोई चीज़ खिलाओ तो ऐसी वैसी दुकान पर नहीं लेनी चाहिए, मैं तो याद कर ली, मैं बोली नहीं बाबा मैं नहीं, तो इसका मतलब थोड़ा महंगा लो और थोड़ा मतलब ठीक ठाक लो। तो मेरे यहाँ पे दोस्तों कहाँ पर रहती हूँ, यहाँ पे दुकान भी नहीं है, मतलब थोड़ा आउट एरिया पड़ जाता है, थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो फिर मैं तो कान पकड़ ली, मैं बोली बाबा मैं नहीं अब नहीं लूँगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ हुआ था रात को, मैंने अपना जो भी मेरे यहाँ होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ दोस्तों। वैसे दोस्तों ना जैसे बच्चे की क्या आदत होती, घर पर चीज़ होते हुए भी, घर पर चीज़ है बिस्किट वगैरह नमकीन वगैरह सब कुछ है, नहीं उनको चाहिए चाहिए, अपने पैसे दो उनको ले आना है, उनको ये दिखाना है मुझे, मतलब उनके सामने ये जरूर दिखाना है हाँ ये बाहर से लेके आए हैं अभी अभी मेरे लिए। तो ये बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो दोस्तों मेरे बन चुकी है चाय, अब मैं इसका छाने ले रही हूँ, और इधर मेरी सीखी जो है ये लग नहीं रही है, सुन लगा के रखती है तब से, और दोस्तों ना मैंने तो जल्दबाजी कर गई क्योंकि इसलिए इसका जो ना ये भी ढीला हो गया है, ये ढीला देखो धीरे धीरे कर रहा है, ये भी धीरे धीरे कर रहा है, तो मैं क्या करती हूँ जब जब मतलब मेरे को बनाना होता है ना तो मैं टेप से लेके इसको ठीक कर लेती हूँ, ठीक करती हूँ। तो आज मैं जल्दबाजी में क्या की, मैंने फटाक साइज से रख दी ऐसे ही, इसको ठीक भी नहीं की हूँ, तो सू कर रहा है, अगर अभी खोलूँगी खोल के सही करूँगी तो इसमें तो टाइम भी लग जाएगा, तो देखती हूँ और क्या करना चाहिए मुझे, करूँगी देखें इसके लिए कुछ, नहीं तो इसमें सीखी भी नहीं लग रही हूँ, चाय पीऊँगी जाके। और दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, और ये लोग चाय देखो, तो दोस्तों देख लीजिए चाय मेरी ये बनके तैयार हो गई है, आज इसको यहाँ पे कोको करने दे रही हूँ अभी, चलो मैं आपको लेके चल रही हूँ बाहर, और ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ।